स्वागत है आप सभी का इस गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल में जो दिल्ली टूरिज्म करा रहा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी पदाधिकारियों को, सिंह साहब को, जोशी मैम को, पूरी की पूरी टीम को। और फर्क महसूस हो रहा है, पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और आज भी आए हैं। फूल तो वैसे ही हैं, उतने ही खूबसूरत जैसे हमेशा से होते हैं, लेकिन फेस्टिवल का माहौल बदला हुआ नज़र आ रहा है। और ये केवल फेस्टिवल का माहौल नहीं, शायद दिल्ली में टूरिज्म का माहौल बदलने की खुशबू है जो गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस से शुरू हुई है। और एक चीज ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि दिल्ली में एक मुगल गार्डन है, बहुत हर साल कुछ दिनों के लिए खुलता है, बड़ा हल्ला होता है, लोग जाते हैं देखते हैं। अभी आते हुए मैं सिंह साहब से यही बात कर रहा था और मैंने ये ट्वीट भी किया कि मुगल गार्डन से ज़्यादा खूबसूरत। और साथ में म्यूजिक, फूड, मस्ती, और कोई पीछे से सीटी बजाने नहीं वाला, यहाँ पैर मत रखो, वहाँ पैर मत रखो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो सच में अगर गार्डन को, म्यूजिक को, फूड को, मस्ती को, कल्चर को सेलिब्रेट करना है, सिर्फ 3 दिन है पूरी दिल्ली के पास, आई थिंक एवरीवन शुड कम एटलीस्ट वंस। मैं अकेला आया हूँ, घर वापस जाके डांट खाने वाला हूँ अच्छी तरह से, इतनी खूबसूरत तस्वीरें जब इस गार्डन की जाएंगी तो। और कोशिश करते हैं 3 दिन में एक बार पूरे परिवार के साथ भी यहाँ पे आएंगे। थैंक यू, जय हिंद। बिल्कुल सर ने बोला है कि मैं अकेला आया हूँ तो यहाँ पे कुछ कमी लोग हैं जी, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। और मुझे मजरूह सुल्तानपुरी की वो बात याद आ रही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो आज शाम तक आप इस कारवां को देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्या आप आने के लिए तैयार हैं दोबारा से अपनी फैमिली के साथ? एक बार जोरदार तालियों से सर को बताइए कि यहाँ पे जितना आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे बहुत बड़ी व्यवस्था है, दिल्ली टूरिज्म ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो हम सभी को यहाँ पे आके इसका साक्षी बनना होगा। और थोड़ी सी मैं आपको हाईलाइट्स बता देता हूँ कि 30वें उद्यान पर्यटन महोत्सव में यहाँ पर एक तो 3D स्ट्रीट पेंटिंग का आप आनंद उठा सकते हैं, जो कि 2D हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 3D इम्प्रेशन प्रोड्यूस करेगी, जो कि मेरे ख्याल में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये एकदम नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। यहाँ पे 500 भी ज्यादा पौधों की किस्मों का डिस्प्ले किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा उसका। नॉर्मली हमें आजकल पेड़ पौधे देखने को कम मिलते हैं, तो ये भी आपके पास एक मौका होगा 500